इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल, शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ की का कैंपस बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट एकदम मॉडर्न स्कूल सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में, फौज में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाती हैं, इसी तरह से इस स्कूल के अंदर बच्चों को ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज सिखाई जाएंगी और इन्हें एनडीए, नेवल एकेडमी और दूसरी आर्म्ड सर्विसेज के लिए इन बच्चों को तैयार किया जाएगा। यहाँ पे एक्सपर्ट फैकल्टी, खासकर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया जाएगा ट्रेनिंग कराने के लिए। ये स्कूल दिल्ली के रहने वाले सभी बच्चों की, दिल्ली में रहने वाला कोई भी बच्चा इस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। इसमें 9वीं क्लास में और 11वीं क्लास में एडमिशन होगा। 9th क्लास में 100 सीट होंगी, 11वीं क्लास में 100 सीट होंगी। अभी तक इस साल से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं तो अभी तक 18,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, केवल 200 सीटों के लिए 18,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। 27 मार्च को 9वीं क्लास में एडमिशन के लिए इसके टेस्ट हो रहे हैं और 28 मार्च को 11वीं क्लास में जो एडमिशन होंगे उसके लिए टेस्ट हो रहे हैं। वो फेज़ वन होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है और सेकेंड फेज़ में उनके इंटरव्यू लिए जाएंगे। तो ये दिल्ली वासियों का एक तरीका है शहीद आज़म भगत सिंह को उनके शहादत दिवस पे श्रद्धांजलि देने का। इसके लिए मैं दिल्ली के सभी लोगों को बधाई देता हूँ। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा की है भगत सिंह के नाम पर, शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर फौज में भर्ती के लिए विशेष स्कूल जो है वो तैयार किया जाएगा और स्कूल में सारी सुविधाएं होंगी। ये आप केजरीवाल को सुन रहे थे और उनका कहना है कि 20 दिसंबर को पिछले साल जिस बात की घोषणा की थी, जिस बात का निर्णय लिया था, अब उसे, उस वादे को, उस घोषणा को पूरा करने का वक्त है। अभी तक 18,000 आवेदन आ चुके हैं इस स्कूल में भर्ती के लिए। दरअसल ये कोई सामान्य स्कूल नहीं बल्कि ये फौज में शामिल होने के लिए बच्चों को तैयार करने का एक विशेष ट्रेनिंग स्कूल होगा और इस स्कूल में सभी सुविधाएं होंगी। अलग अलग क्राइटेरिया बताया गया है। 27 मार्च को 9वीं क्लास का टेस्ट होगा और इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जो क्लासेस के टेस्ट हैं उसको भी, उसकी भी तारीख इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताई। शिक्षा के क्षेत्र में ये कहा जा सकता है कि बड़ा कदम।